नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के नगर परिषद क्षेत्र में पीने के पानी की परेशानी दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है। लगभग 15 दिन से अधिक हो गए, मगर शहर में जलदाय विभाग द्वारा पीने के पानी की जलापूर्ति नहीं की जा रही, जिससे क्षेत्रवासियों का हाल बेहाल हो रहा है। आए दिन जगह जगह लोग रास्ते जाम कर रहे हैं, मगर प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। शहर के लाखों लोग पानी की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज रोड पर स्थित पानी की टंकी से पानी व्यर्थ में बह रहा है। एक ओर तो शहरवासी पानी के लिए त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पानी की टंकी से पानी व्यर्थ बह रहा है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। पब्लिक पीपल ने रोने लगी बिल्कुल यार, भूखी पब्लिक किस तरह पानी पे टूट पड़ी है। पानी बहुत समस्या, बहुत बेकार। आइए देखते हैं व्यर्थ बह रहे पानी का एक दृश्य। गंगापुर सिटी में दोनों राजनीतिक प्रक्रियाओं के चलते हुए गंगापुर वासी पानी के लिए बहुत ही त्रस्त हो रखे हैं, जिसमें कि गरीब तबके के लोग हैं, उनको बेचारों को एक एक मटकी पानी लेने के लिए खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और बाकी इस पानी के चलते हुए ना तो जलदाय विभाग के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था बनाई गई है और ना ही कोई समय का निर्धारण किया गया है कि पानी कब आएगा नलों में, कब नहीं आएगा, जिसकी कोई समय सारणी इन्होंने आज तक अखबार में चस्पा नहीं की है, ना ही प्रचार प्रसार करवाया गया कि पानी कब दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा, नेट व्यवस्था को नहीं किया गया है। और जबकि पंचायत समिति में एक टंकी का निर्माण कर दिया गया है, उसमें भी करोड़ों रुपये की लागत लगा दी गई है, लेकिन उसका भी लाभ किसी भी व्यक्ति को आज तक नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी 15 दिन से पानी आ नहीं रहा है, पब्लिक बहुत परेशान है। इतने लोग परेशान है कि ज़्यादा रास्ते आ ही नहीं रहा है पानी। सबसे बड़ा सब सरकार ध्यान ही दे रही है इस चीज़ पर का पानी की व्यवस्था। गंगापुर सिटी में पानी की सफाई की हर तरह से हालत ख़राब है। पिछले 7-8 दिनों से नलों में पानी की बूंद नहीं आई है, नहाने तक को और तो ज़रूरी जो काम है उनके लिए पानी नहीं है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान है, न MLA साहब सुन रहे हैं, न चेयरमैन साहब सुन रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है जैसे जनता से। ये नेता लोग हैं, वोट लेने आते हैं फिर भूल जाते हैं। पानी जैसी मूलभूत जो आवश्यकता है उसके लिए भी है ना, और हर व्यक्ति की तो क्षमता है नहीं साहब। जो टैंकर वालों ने भी 400-500 रुपये रेटें कर दिए। वाले मिल लिए साहब 3-4 इंची की पाइप लाइन है, वो सड़कें खोद दी है, सारे रास्ते ख़राब है और पानी की बूंद नहीं आ रही। इस उम्मीद में पहले सीवरेज वालों ने सड़कें खोदी है, सब जगह गंगापुर में सड़कें खराब पड़ी है, पानी की कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। जो अधिकारी है उन्होंने पानी की समस्या का क्या कहा? एसडीओ साहब को कई बार बोल दिया साहब, अधिकारियों को भी मोहल्ले वाले जाते हैं, कोई संतोष है ना वो नहीं है साहब।